Hello students, in this video we will discuss about the magnetic field lines and the property of the magnetic field lines. And it's a very important discussion, so let's start with magnetic field. Magnetic field. And this is a very important discussion. What do you understand by field? Agar hum soche ke field kya hota hai, to hamare dimag mein ek simple si cheez aa rahi hai, ek badi si jagah. ठीक है, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी वो बड़ी सी ही जगह है, इट्स अ सराउंड एरिया, या आप सोच लीजिए एक स्पेस है. ठीक है, स्पेस बोल देता है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है अराउंड मैग्नेटिक, मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है. मतलब जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक आयरन है तो वो फील करेगा अट्रैक्शन किसकी तरफ? मैग्नेटिक, मैग्नेट की तरफ. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सिंपल सा, मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया है जिसके अंदर कोई भी चीज एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करना चाहेगी या फील करेगी जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होता है. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं शेप बनाना चाहूं तो फॉर एन एग्जांपल मैंने ये एक शेप बना दी है. मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अगर इससे बाहर होगा तो वो ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब अट्रैक्शन को फील नहीं करेगा, लेकिन जैसे वो एंट्री करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो जाएगा, वहां पर लगने लगेगा. ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में. ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बाय द मीनिंग ऑफ लाइंस. आप लाइन से तो आप समझ गए हैं कि वो क्या चीज है, फील्ड भी आप समझ चुके हैं अभी बताया मैंने, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा हो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो अगर मैं इनको बताऊं तो दे आर इमेजिनरी, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं विच आर यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, हम जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको शो करने के लिए जिन लाइंस का यूज करते हैं वो इमेजिनरी होती है, उन्हीं लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, दिस इज अ बार मैग्नेट एंड दिस पोल इज एम एंड दिस इज एस. This is a bar magnet, and the property of the magnet is that if you freely suspend a bar magnet by using a thread, then it will always stop in north and south direction. ये property होते हैं magnet की, अगर आप इसको freely suspend कर देते हो, लटका देते हो एक thread से या धागे से या किसी ऐसी चीज से जो इसको इसके लिए, तो एक तरह से सोच लीजिए आप insulator हो, मतलब इसका कोई effect ना हो उसके ऊपर, धागा या कोई ऊन हो ऐसी कोई चीज, तो अगर आप उसको सस्पेंड कर दो ये ऑलवेज रुक जाएगी एनएस मतलब नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है. बट हम पढ़ने जा रहे हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दैट दे ऑलवेज स्टार्ट्स या ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इनटू साउथ पोल. सीधा सीधा अगर हम हिंदी में बोले तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और ऑलवेज साउथ पोल में एंटर करती है. मैंने ऊपर की दिखाई है, मैं नीचे की भी दिखाऊं तो ये भी यही रहेगा, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी और साउथ के अंदर ये जाएगी. ठीक है, दिस इज अ सिंपल डायग्राम. ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है, देयर आर अनलिमिटेड या अनकाउंटेबल
magnetic field lines. So I'm going to making them 2, 3, 4. मैंने बस four बनाएंगे ऊपर और 1, 2, 3 and 4. ये four बनाएंगे मैंने नीचे की side, ठीक है? ये एक तरह से simple diagram बनाया हुआ मैंने, ठीक है? अभी क्या है, मैंने एक चीज आपको दिखाई है कि all the magnetic field lines are originate from north and ends in S. N से स्टार्ट होती है सारी और S में जाती है सभी, ठीक है? उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने सारी ही लाइंस को पैरेलल रखा है। आप देख सकते हो कि ये कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये दूसरी प्रॉपर्टी, पहले क्या थी, एन से स्टार्ट होती है एस में जाती है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है? एंड द थर्ड इज दैट द क्लोजर मैग्नेटिक लाइंस आर स्ट्रॉन्गर देन फर्दर वन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, जो पास पास होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर ज्यादा फोर्स बनाती हैं, मैग्नेटिक फोर्स, और जो दूर दूर होती हैं उनमें थोड़ा कम फोर्स होता है, ठीक है? इस तरह वी हैव अंडरस्टूड टुडे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड दे आर सो इंपॉर्टेंट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सो लेट्स take the new video about the magnet. Watch your channel and subscribe. Yaar, jaldi se like kar do, comment chodo. Until the next video, thank you very much for watching this video.